नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं करनाल में हुई 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ICR और NDRI ने मिलकर यह आयोजन किया था और इसमें देश विदेश के 1600 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर छोटे किसानों की दशा और दिशा पर गंभीर मंथन किया। उन्होंने तमाम सवालों पर नीति निर्माताओं को न केवल रोशनी दिखाई बल्कि कई तरह के सार्थक समाधान को प्रस्तुत करने की भी कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत में हरित क्रांति के केंद्र हरियाणा का ऐतिहासिक नगर करनाल, धान का कटोरा भी और दूध दही की खान। यहां के बासमती की खुशबू मध्य पूर्व के देशों तक पहुंचती है। देश के 40% कृषि यंत्र यहीं बनते हैं। डेयरी क्षेत्र की देश की सबसे बेहतरीन संस्था NDRI और कई राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी यहां हैं। करनाल में पहली बार दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा हुआ। मौका था 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस। खेती के ज्वलंत सवालों और खास तौर पर छोटे किसानों की दशा पर वैज्ञानिकों ने मंथन किया। समस्या के तमाम पक्षों की पड़ताल के साथ समाधान निकालने की कोशिश भी हुई। कृषि विज्ञान कांग्रेस में बड़ी संख्या में किसान और उद्यमी भी पहुंचे। छोटा किसान जो है वो ही भारत का भविष्य है, क्योंकि जोत जो है बढ़ने से रही और किसान का भरोसा अभी भी कृषि पर है। और रूरल एरियाज़ में जो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें किसान ही ज़्यादा हैं। तो अगर हमें कृषि के ज़रिए देश का उत्थान करना है तो वो छोटे ही किसान होंगे जिन पर हमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। NDRI परिसर में 3 से 6 फरवरी तक चली 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में खेती से जुड़े तमाम सवाल उठे। इसका आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज यानी NAS, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और NDRI ने मिलकर किया है। विचार मंथन का केंद्र छोटे किसानों की आजीविका सुरक्षा रहा। हमारी खेती की रीढ़ छोटे किसान हैं और उनके कंधों पर ही हमारी खाद्य सुरक्षा टिकी है, लेकिन उनकी दशा सबसे दयनीय है। भारत में 13.78 करोड़ किसान, इनमें से 11.71 करोड़ छोटे मझोले, इन पर ही टिकी है हमारी खाद्य सुरक्षा। देश की 52% आबादी कृषि पर निर्भर, सबसे अधिक संकट में छोटे किसान। In India, 90% farmers are holding less than 2 hectare of the land and 50% of them are under debt either from bank or from money lenders. Their monthly income is not more than 6,500. That compel us to show the roadmap and to show our preparedness. छोटे किसान अनाज या फल सब्जियां ही नहीं, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी मददगार हैं। हमारी कृषि का भविष्य इन पर ही टिका है। दुनिया के दूसरे देशों से परे हमारे पास 85% छोटे किसान हैं। आज भी हमारी बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। छोटे किसानों की छोटी जोतों को लाभकारी बनाना और उनकी आजीविका सुरक्षा आसान काम नहीं है। किसान आपस में मिलकर खेती करें तो आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन इसकी मानसिकता तैयार करना आसान नहीं है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है छोटे किसानों के साथ काम करने का, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, छोटे किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जब जॉइंट होकर अपना मंडीकरण कर रहे हैं या कलेक्टिव बाइंग करते हैं, उनकी जो इनपुट है, इनपुट कॉस्ट कम आई है और वो उनको मार्केट में स्टैंड होने का, लोकल इशू से लड़ने की ताकत मिली है। कृषि विज्ञान कांग्रेस में वैसे तो खेती के ज्वलंत मसलों
अनुसंधान विकास और कृषि शिक्षा पर चर्चा होती रही है, लेकिन उसने पहली बार छोटे किसानों का बड़ा एजेंडा हाथ में लिया। कांग्रेस की आयोजक नास 25 में वैश्विक पहचान बनाकर इसी साल रजत जयंती मना रहा है। करनाल कांग्रेस में पहली दफा 1600 से अधिक प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक भागीदारी रही। इसमें अमेरिका, ब्राजील, पोलैंड, कीनिया और कई देशों के 70 से अधिक वैज्ञानिक पहुंचे। विश्व बैंक सीनियर डायरेक्टर डॉ. जे वागले, इक्रिसेट के महानिदेशक डॉ. डेविड, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉ. जिमी स्मिथ और विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता संजय राजाराम जैसी हस्तियों ने अपने अनुभवों से इसे बेहद गंभीर बना दिया। I think India is an absolute agricultural powerhouse and it needs you all as its engine. Without agricultural science, and this is probably one of the largest gatherings of agricultural scientists around the world, without that engine, it will not continue to grow and be successful. पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। किसानों की आत्महत्याओं और दूसरी चुनौतियों पर वो खुलकर बोले। राज्यपाल ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। सबसे बड़ा बीपी पाल मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों को, डॉक्टर के रमैया मेमोरियल अवार्ड प्रोफेसर एनके सिंह को, डॉक्टर एमएस रंधावा अवार्ड डॉक्टर गुरबचन सिंह को मिला। डॉक्टर दीपिका के बनाए सोया बटर उत्पाद का लोकार्पण भी हुआ। राज्यपाल का मानना था कि किसानों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, तस्वीर को बदलने में कृषि वैज्ञानिक बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की हमने फूड सिक्योरिटी तो ले ली, लेकिन फूड सिक्योरिटी के लिए जितना फूड चाहिए वो हमेशा देश के अंदर पैदा होते रहे, इसके लिए जो बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन चर्चा केवल छोटे किसानों की दिक्कतों या चुनौतियों तक सीमित नहीं रही। वैज्ञानिकों ने 12 सत्रों में समाधान तलाशने की कोशिश की। प्लेनरी सत्र के भारतीय वक्ताओं में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और नास के अध्यक्ष डॉ. एस अय्यप्पन, नास के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आर बी सिंह, चोटी के कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर एस परौदा जैसी हस्तियां थी। वैश्विक परिदृश्य के साथ जमीनी हकीकत दोनों पर मंथन हुआ और रास्ता निकालने की कोशिश भी हुई। जो हम उत्पादन कर रहे हैं, खाद उत्पादन हो रहा है 265 दशलक्ष टन, और उसके साथ साथ बागवानी का भी उसी तरह सब्जियां, फल और जो भी हो, दूध, अंडे, मछली, मांस जो भी है, ये सब देखने से स्मॉल होल्डर फार्मर्स का भी अहम भूमिका है। कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्य सुरक्षा के लिए भूमि और जल उत्पादकता को सुधारने पर जोर दिया। खेती में सदाबहार क्रांति लाने को राष्ट्रीय अभियान चलाने पर उनका बल था। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से सभी चिंतित दिखे। वैज्ञानिकों का कहना था कि जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखने लगा है। हिमालयी राज्यों में तो गंभीर संकट दिखने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के असर को झेलने लायक प्रजातियों की वकालत हुई। टिकाऊ खेती के कई विकल्पों पर चर्चा हुई। कुछ जानकारों ने जैविक खेती को भी बेहतर विकल्प माना, तो कुछ का जोर जीएम फसलों पर रहा। Perhaps the future problems related to agricultural production, productivity, advancement, either be in cereals or legumes, livestock or fisheries, vegetables and fruits and other crops, going to be much more difficult than we have faced in the past. छोटे किसानों की दिक्कतों और खेतीबाड़ी के प्रति उपेक्षा के सवाल भी उठे। छोटे किसानों की टिकाऊ आजीविका पर सबका बल रहा। 12 महीने खेती के काम में खटने वाले किसान की जेब में इतना धन भी नहीं आ पाता कि वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। वैज्ञानिकों ने किसानों के शिक्षण और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसी तकनीकें विकसित करने पर बल दिया जिससे कम से कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर छोटे किसान मजबूत हो सकें।
इतना खर्च होता है उससे वाजिब दाम नहीं मिल सकते, क्योंकि इसमें एक तो शारीरिक मेहनत है, लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है, खुद भी नहीं कर सकता, इसलिए इसके जो है ना दाम नहीं मिलते, इसके दाम सही नहीं मिलते। जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है उसका अगर सारा उसका सारा खर्चा उसका लगाए तो बाद में कुछ नहीं बचता। हालांकि कई विशेषज्ञों ने माना कि कई चुनौतियों के बाद भी भारत की खेतीबाड़ी की दुनिया में धाक है। पहले की तुलना में खेती 5 गुना अधिक मजबूत है और हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं हो सकती कि खेती अब किसानों का पसंदीदा पड़ाव नहीं है, न इसमें छोटे किसानों की जीविका की गारंटी बची है न सम्मान। बढ़ती आबादी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को देखते हुए हमें रणनीतियां बदलना जरूरी हो गया है। छोटे किसानों के खेतों तक उन्नत तकनीक पहुंचाने के लिए नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर पर बहुत कुछ करना होगा। जो उनकी कृषि की भूमि की जल की उनके आमदनी की जो क्षमता को ध्यान में रखते हुए और जनसंख्या जो कि किसानियत पर मुनहसर करती है उसके अनुसार उनको अपनी नीति बनानी पड़ेगी। वैज्ञानिकों ने माना कि आज छोटा किसान दयनीय दशा में है, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने के साथ तमाम प्रोत्साहनों की जरूरत है। उन किसानों के पास संसाधनों का टोटा है, इस नाते खेती को सब्सिडी देने की नीति में बदलाव कर उसे लक्षित करना होगा, जिससे छोटे किसान सबसे अधिक लाभान्वित हो सकें। अगर देश को जरूरतों के लिहाज से अनाज उत्पादन बढ़ाना है तो छोटे किसानों को मदद करनी ही होगी। इन छोटे किसानों में असीम ऊर्जा है, बस ईमानदारी से मदद मिल जाए। लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं, डेटा है, उस हिसाब से 80-90% छोटे किसान हो रहे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है कि हम इनको इंटेग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के आदमी खेती भी करे, साथ डेयरी भी रखे, पोल्ट्री भी रखे, शहद की मक्खियां भी रखे, जो जो कुछ रख सकते हैं सब कुछ साथ रखे, तो फिर जिंदगी का काम चलेगा। गिरते भूमिगत जल स्तर पर भी आम चिंता दिखी। वैज्ञानिकों ने पानी के किफायती उपयोग और ड्रिप इरिगेशन पर जोर दिया, लेकिन ये बात भी उठी कि ये महंगी टेक्नोलॉजी है और छोटे किसानों की जेब इसके लायक नहीं है। इस नाते सिंचाई और कृषि उपकरणों में छोटे किसानों को खास मदद देनी होगी। पहली बात तो है कि जमीन जो है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, उसमें ज़्यादातर इम्बेलेंस नाइट्रोजन का और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हो गया NPK का। तो इसके ऊपर किसानों को एक तो ये हमें छोटे अच्छे तरीके बताने होंगे, जिससे सॉइल टेस्टिंग से वो जो है अपना कितनी उनको कौन सी खाद डालनी है, कितनी डालनी है वो डालें। महिला किसान भी हमारी खेती की रीढ़ हैं, लेकिन खेती में उनके योगदान को नज़रअंदाज ही किया जाता है। वैज्ञानिकों ने उनकी भूमिका को सराहा और माना कि खेती और डेयरी क्षेत्र महिलाओं के बल पर टिका है। उनकी 65% श्रम शक्ति खेती में लगी है, लेकिन 10% महिला किसानों के पास भी खुद के नाम की जमीन नहीं है। कृषि नीतियां महिला किसानों की हितैषी नहीं है, उनको न तो सरकारें किसान मानती हैं न बैंक उनको कर्ज देते हैं, कृषि ज्ञान में भी वो कमजोर हैं। महिलाएं खेतीबाड़ी में हर एक लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, चाहे वो वीडिंग हो, चाहे वो जो खेती के लिए तैयारी की आप बात करें या उसमें वीडिंग की बात करें या उसके बाद हार्वेस्टिंग की बात करें, हर एक लेवल पे उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। और भारत में जितनी भी काम कर रही हैं कार्यकारिणी महिलाएँ हैं उनमें से 65% जो महिलाएं हैं वो खेती के साथ जुड़ी हुई हैं किसी न किसी तरह से।
भारत में 85% छोटे किसान ही हैं, लेकिन उनकी दशा किसी से छिपी नहीं है। उनकी अधिकतर जोतें अलाभप्रद ही हैं। समय पर उन्हें न बीज खाद मिल पाती है, न ही कर्ज। उनके हक में निवेश बढ़ाने और सुरक्षा नेटवर्क मजबूत बनाने की जरूरत है। बारिश पर निर्भर इलाकों के छोटे किसानों के हक में एकदम नई रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में खेती की जमीन आज के 14 करोड़ हेक्टेयर से कम ही होने जा रही है। इस नाते बेहतर भूमि प्रबंधन भी जरूरी है। 12वें कृषि विज्ञान कांग्रेस में जहां एक और रिकॉर्ड संख्या में कृषि वैज्ञानिकों ने भागीदारी की, वहीं बड़ी संख्या में किसान भी इसमें शामिल हुए। किसानों ने जहां वैज्ञानिकों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों को भी जमीनी हकीकत का अंदाजा हुआ। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में छोटे किसानों से संबंधित तमाम मसलों पर चर्चा हुई और उनमें एक मसला था छोटे किसानों के लिए उपकरणों का अभाव। वैज्ञानिकों का मानना था कि छोटे किसानों के लिए उपकरणों की भारी कमी है, जो उपकरण हैं भी वो उनकी जेब या हैसियत के बाहर हैं। इसी नाते ज़रूरी है कि संस्थाएं उनके लिए उनके जेब लायक, उनकी हैसियत लायक उपकरण बनाएं। कृषि वैज्ञानिकों के मंथन में आधारभूत ढांचे की कमी का मसला उठा। गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की कमी के साथ कृषि मंडियों की कमजोरियां भी सामने आईं। माना गया कि ज्यादातर प्रदेशों में छोटे किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसे हैं। वो अनाज पैदा करें या फल सब्जी, औने पौने दामों पर बेचने की विवशता है। तभी उनकी धनिया और होरी की तस्वीर बदलती नहीं। एक तिहाई से ज्यादा किसान साहूकारों से ही कर्ज लेने को विवश हैं। हरित क्रांति के केंद्र पंजाब हरियाणा तक में आधे किसान साहूकारों के चंगुल में हैं और छोटे किसानों के सामने अंतहीन जोखिम है। See, interventions are required because while these small holder farmers they do produce quality rich or nutrition rich crops, but where is the market for them? You know, so therefore marketing is very, very important. While consumers will be very happy, will be excited about it, getting directly these kind of products from the farmers' fields. You know, they'll be fresh, you know, and at the same time farmers will be encouraged. भारत में दुनिया का महज 2.4% भूभाग और 4% जल संसाधन है, लेकिन दुनिया की 17% आबादी और 15% पशुधन का इंतजाम इसी जमीन के भरोसे है। चाहे अनाज उत्पादन हो या चारा, इसी बदौलत होता है। लेकिन खाद और रसायनों के असंतुलित प्रयोग ने हरित क्रांति वाले इलाकों में दशा खराब कर दी है। खेती के संकट कई हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। खेती की लागत में बढ़ोतरी, छोटी जोतों की बढ़ती संख्या, बढ़ता कर्ज और घटता वित्तीय समर्थन, उत्पादों का वाजिब दाम न मिलना, मिट्टी की खराब होती सेहत। तकनीक के साथ छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भरोसेमंद रास्तों की तलाश जरूरी है। डेयरी, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ प्रोसेसिंग सुविधाओं का विकास भी जरूरी है। इसी तरह दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक समर्थन चाहिए। सरकार दलहन तिलहन आयात पर भारी धन खर्च कर रही है, लेकिन इन किसानों को अगर मदद मिले तो हालात बदल सकते हैं। जौ जैसे मोटे अनाज भी आज गायब हो रहे हैं, क्योंकि गेहूं और जौ के बीच समर्थन मूल्य का भारी अंतर है। ये जो गैप है रेट का, बार्ले का, वीट का, ये अगर कम हो जाए या ऑलमोस्ट एट पैरिटी हो जाए, इसकी एक इक्वल हो जाए, तो फिर बार्ले के अंडर एरिया बढ़ने की संभावना है। बहुत सारी किस्में जैसे DWRUB 52 है या DWRUB 64 है, 73 है, तो इस तरह से बहुत सारी किस्में बार्ले की भी आगे आ रही हैं। भारत को आज़ादी मिली तो 50 लाख टन अनाज पैदा होता था। दूसरों की दया पर हम निर्भर थे और अनाज आयात बिना पेट नहीं भरता था। लेकिन आज हम पैदावार को संभाल कर रखने की हालत में नहीं हैं।
बीते सिर्फ एक दशक में हमारी धान की उपज 830 लाख टन से बढ़कर 1040 लाख टन हो गई। गेहूं की पैदावार 680 लाख टन से 920 लाख टन से अधिक हो गई। फिर भी दुनिया के 40% कुपोषित बच्चे भारत में ही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी कुपोषण की चपेट में हैं। इससे निपटकर ही ग्रामीण भारत को मजबूती दी जा सकती है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है और वो नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, और ये कि हर एक को हम इतना देंगे वो भी ठीक नहीं है। हमको नीड बेस्ड जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने की ज़रूरत है, तो ये नीतिगत बहुत ज़रूरी है कि हम इसको तय करें। छोटे किसानों को खेती के साथ डेयरी और मजबूती दे सकता है, लेकिन इसके लिए उनको समर्थन चाहिए। अनिश्चित आय के कारण युवाओं का दूसरे व्यवसायों की ओर झुकाव हो रहा है। डेयरी और दूसरे उपायों से युवाओं को खेती में रोकने में मदद मिल सकती है। डेयरी ने किसानों को बहुत ताकत दी है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने के बाद भी तमाम इलाकों में भारी विषमता है। फसलों में ही डाइवर्सन नहीं कि अलग अलग कई तरह की फसलें लगाएं एक ही खेत में, लेकिन साथ में जैसे कि पशुपालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, ये बकरी पालन कर सकते हैं। इससे हर जगह हम सभी राज्य सरकारों को, सभी समस्त जो संबंधित विभाग हैं, हर जगह इसको भेजा जाएगा, यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा को और मजबूत बनाने के साथ युवाओं को आकर्षित करने की नीतियां बनाने पर भी जोर रहा। कई विशेषज्ञों ने बागवानी पर जोर दिया। कुछ एक का मानना था कि कश्मीर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी किसानों के हित में ठोस रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि इन इलाकों में आधारभूत ढांचे का भारी अभाव है। छोटे किसानों के सामने कृषि आदान हासिल करने और अपने उत्पादों में वाजिब दाम मिलने जैसी कई दिक्कतें हैं। ऐसे क्रॉप्स हैं वहाँ J&K में जो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज में स्पेशल अंदाज से पेश करते हैं और जो बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, जिसमें केसर जो है ऑनली कुछ मुल्क हैं सारे वर्ल्ड में, स्पेन है, ईरान है, अब इन्होंने कोशिश की है अफगानिस्तान में, मगर इंडिया हैज़ इट्स हेरिटेज। तो पिछले चंद साल से इस क्रॉप की तरफ कम ही अटेंशन दिया जाता है, हालांकि एक मिशन भी चल रहा है मगर उतना वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सम्मेलन में ज्वलंत मसलों पर 53 जाने माने विशेषज्ञों ने विचार रखे। 111 युवा वैज्ञानिकों ने भी प्रस्तुति दी। फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल और पशु विज्ञान, डेयरी और मछली पालन पोषण और दूसरे सवाल उठे। इन पर 890 पेपर शामिल हुए। कांग्रेस के आखिर में सुंदरेशन सभागार में 500 किसानों के साथ वैज्ञानिकों का संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहा। सम्मेलन का समापन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। 28 वैज्ञानिकों और 2 युवा वैज्ञानिकों को उन्होंने पुरस्कार भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें आता है। राजधानी का दबाव, आबादी का दबाव, इंडस्ट्री का दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव, जिसके कारण से जमीन इन विकास कार्यों में जा रही है, और फिर परिवार बढ़ते हैं, संख्या आबादी की बढ़ रही है, तो किसान उस नाते से भी जमीन का विभाजन होते होते बहुत ही इस स्थिति में है कि किसानों की जोत बहुत छोटी हो गई है। कृषि विज्ञान कांग्रेस का खास आकर्षण यहाँ लगाई गई विशेष प्रदर्शनी थी। इसमें देश के तमाम हिस्सों की कृषि अनुसंधान संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियां इसमें दर्शाई गई थी। किसानों को वैज्ञानिकों ने सलाह भी दी।
अरुणाचल प्रदेश के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक के उत्पादों को देखने में लोगों का खास उत्साह था। निकमोडोंग एक जगह है जो 8,500 फीट माइसी लेवल के ऊपर में है, जहां हमारा फार्म है, जहां पे हमारे 150 याक है और हम लोग वहां पे वहां के जो ब्रोकपा लोग हैं, जो याक पालते हैं, जो बहुत हर्ष कंडीशन में रहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जितना हो सके, चाहे वो याक मेला हो या फिर एक्सटेंशन वर्क हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उनके थ्रू हम उनके तरक्की के लिए, उनके उन्नति के लिए हम काम कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने और किसानों की दशा में बदलाव के नारे के साथ 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। सम्मेलन की संस्तुतियां नीति निर्माताओं के पास भेजी जाएंगी, तो देखना यह है कि आने वाले बजट में सरकार छोटे किसानों के हक में क्या कुछ ठोस कदम उठाएगी। जीडीपी में घटती हिस्सेदारी के बावजूद खेती आज भी भारत की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था एक हद तक इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं और इन निर्भर लोगों में सबसे ज़्यादा छोटे किसान हैं, जिनके लिए नीति निर्माताओं को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। राज्य सरकारों को उनके हितैषी बहुत सारे नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है और शायद इसी नाते 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों ने इसी मसले पर न केवल चिंतन किया, मंथन किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे अहम सुझाव दिए हैं जो शायद आने वाले समय में नीति निर्माताओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।